मॉर्निंग। खड़ा हो। है जी? खड़ा हो खड़ा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। है जी। क्या मैं यहाँ थारी पियोन लग रही हूँ? मैं एम्प्लाई हूँ थारा, जो बिल्कुल ही एक नजर मॉर्निंग। मैं जी तमीज में रह ले बिल्कुल ही। खड़ा रहे पूरे टाइम, हम यहाँ खड़े हैं, तू बैठा रहेगा, चौधरी है तू। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मैम, साड़ी कैसी है? ओ भाभी जी, साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, और उस पे ये बॉर्डर आपके फेस पे लगा पाउडर सूट हो रहा है। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे उन्होंने पूछा कि साड़ी कैसी है, तो साड़ी विशेषज्ञ है तू। तू साड़ी का पल्लू बन जा, तू झूल ले औरतों के कंधों से, पल्लू बन के लहरा ले हवा में। एक्सक्यूज मी, बैठ के बोल। Carry on. This one. Well, Pabi ji, who the, you the, are the? मैं पत्नी हूँ। साड़ी कैसी है? वो तो ठीक है, लेकिन किसकी पत्नी हो? Of course, अपने पति की, जो रात रात भर सोता नहीं है। अच्छा, साड़ी कैसी है? Oh my God! आपके पतिदेव सोते क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है, जरा बताइए ना पापी जी, जरा खुल के बताइए। हैं जी, जरा शर्माओ ना। हैं जी। हाँ, इसकी तरह बेशरम मन जाओ बुढ़ाओ की। कैरी ऑन। अरे नाम बोल अपना। पटाका नाम है थारा? यस मैडम, पटाका पांडे। माय गॉड। अच्छा, साड़ी कैसी है? अरे साड़ी बकवास है थारी, नाम भी बेकार है। और पति सोना रहा है तो किसी डॉक्टर के पास लेके जा, यो अस्पताल ना है, यहाँ क्यों आगे इठलाती हुई? मैडम, मैंने सुना है जिसका कोई नहीं होता उसकी चंद्रमुखी चौटाला होती है। साड़ी कैसी है? अबे बैसियां, घने केस जो है पेंडिंग हो रखे हैं, फाइलों में दब रहे हैं, धूल चट रही है यहाँ बिल्कुल ही। तू ये बेकार वाला, ये पति सोना रहा है, यो केस हम सॉल्व नहीं करेंगे, निकल यहाँ से। लेकिन मैडम, मुझे अपने पति के खिलाफ FIR लिखवानी है। साड़ी कैसी है? क्या मैडम, ये क्या बात हुई मैडम, आप बताइए। मतलब इसका पति सो नहीं रहा है, उसकी FIR लिखवाने आ गई है। अब वैसे तो मैडम मैं घर जाता हूँ, मैं खर्राटे ले के सोता हूँ, अब इस तरह तो मेरी बीवी भी यहाँ पर आ जाएगी FIR लिखवाने मेरे खिलाफ। या मॉम, शी इज टाइट। राइट। या दिस वन। हाँ भाई, क्या FIR है, जरा हम भी सुन ले। मैडम, मेरे पति मुझ जैसी पटाका के होते हुए एक फूल जड़ी के साथ नैन मटक्का कर रहे हैं। अच्छा, साड़ी कैसी है? किसके साथ? अड़ोसन के साथ या पड़ोसन के साथ? मोंजुली का नाम है उसका। साड़ी कैसी है? थारे कहने का मतलब है कि किसी मोंजुली का नाम की छोरी के संग थारे पति का बाहर जो है झोल चल रहा है? यस मैडम। अच्छा, साड़ी कैसी है? एक मिनट अंकल जी, मुझे देखिए, प्यार से देखिए। इसकी बीवी को फोन लगा जरा। कैरी ऑन। मैडम प्लीज कुछ करिए, एक आप ही हैं जो मेरा घर टूटने से बचा सकती हैं। मैडम तू टेंशन ना ले, हम करते हैं कुछ। बुलवाओ जरा इसके पति ने। आइए आइए, फॉलो हिम। एक्सक्यूज़ मी, मॉम, शी इज द, हस्बैंड इज द, ही, या दिस वन। नाम क्या है थारा? मंजुलिका। काम क्या करता है तू? मंजुलिका। और रहता कहाँ है? मंजुलिका। ओ मेरे रब्बा, मैं सदके जामा तेरे, वाह क्या इश्क है, वाह 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 वाह।
मम्मी जी क्या जोड़ियां बनाई थी जी ऊपर वाले ने, सोनी महिवाल, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, शरीफ रात, क्या बात है, क्या जोड़ियां थी जी ये भाई। वो ऐसी जो है प्रेम में दीवानी, प्यार में पागल जोड़ियां थी जो दुनिया से टाइम से पहले ऑफ हो गई हैं। और मैं चाह रही हूँ कि एक और जोड़ी बाकी है जिसको मैं बाय बाय टाटा कर दूं दुनिया से। yeah! और वो जोड़ी है गोपी और लप्पी लूथरा की। कैरी ऑन। देखा देखा मैडम आपने, मेरे हस्बैंड हर सवाल के जवाब में उस मंजुलिका का नाम ले रहे हैं। अच्छा साड़ी कैसी है? अभी जवाब देगा वो, एक सेकंड में। इधर आ बेटा, नाम बोल अपना। परवल पांडे। बोला कि नहीं बोला? देखा देखा, अरे हमारी मैडम किसी का मुंह खुलवाने पे आ जाए ना तो वो एक नंबर की चाय के उबलते पानी की खोलती अदरक। मेरा मतलब है किसी ढाबे का टमटमाता तंदूर से, मेरा मतलब है बहुत ही जबरदस्त है, समझे? Well, who is the मौजलिका is the? दादाजी नाम मत लीजिएगा उसका, नाम मत लीजिएगा मंजुलिका का, वरना वो यहाँ पे आ जाएगी और सबको मार देगी मेडिकल के महाभारत में। यार अभी तो वो सिर्फ तुम्हारी आइटम है, मेरा मतलब है अभी तो वो सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम ऐसे घबरा रहे हो, तुम तो घबरा रहे हो जैसे वो तुम्हारी बीवी है यार। yes! अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मेरी बीवी है, वो है ना एक भूतनी है, चुड़ैल है मेडिकल के महाभारत में। Well, mom, I am sure इसने मौजलिका से शादी कर ली है जी, क्योंकि शादी के बाद इसे वो भूतनी और चुड़ैल लगने लग गई है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस। Yeah, this one. तू काम क्या करे? जी मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तू प्रोफेसर की उम्र में स्टूडेंट हो रहा है तू? एक्चुअली मैडम क्या है कि मेरा ग्रोथ जो है ना वो थोड़ा स्लो है मेडिकल के महाभारत में, सॉरी। भैया वो सब तो सही है, लेकिन थारी जो बीवी है ना मिसेज धर्म पत्नी, इसने यहाँ कंप्लेंट लिखाई है चौकी में कि किसी मंजुलिका नाम की छोरी के संग थारा अफेयर, थारा झोल, थारा चक्कर, मतलब ऐसा कुछ चल रहा है थारा घर के बाहर। तो भाई ऐसा है, वो यो भी कह रही है कि रात भर तू आंखें फाड़ के एकदम मंजुलिका मंजुलिका करता रह, जपता रह उसके नाम की माला। नहीं मैडम ने ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बात है मैडम कि मैं डर के मारे सो नहीं पाता मेडिकल के महाभारत में। मैडम वो सच में है एक आत्मा जो कर देगी मेरा खात्मा मेडिकल के महाभारत में। एक मिनट, मतलब तुम ये सीरियसली कह रहे हो कि मंजुलिका एक भटकती आत्मा, एक चुड़ैल है, इसे तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ हाँ मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है उसे मेडिकल के महाभारत में। मैडम कह के मेरे दो दोस्त है जो मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं, उन्होंने ये मंजुलिका के बारे में मुझे बताया है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि जिस लैब में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना वहां पे ये मंजुलिका की आत्मा भटकती है मेडिकल के महाभारत। मैडम मेरे हस्बैंड ना ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। हाँ साड़ी कैसी है? पता है मैडम मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि इनका उस मंजुलिका के साथ टिंचू टिंचू टाए टाए है, जरूर है। अच्छा साड़ी कैसी है? देखो भाई ऐसा है एक इंक्वायरी बिठाएंगे हम, कार्रवाई होगी, डोंट वरी है, केस जब चौकी में आ गया है तो सबसे पहले उन दोनों लौंडों ने बुलवाओ, लड़कों ने। सर कुछ लोगों को देख के यो प्रतीत हो रहा है कि कानून के पास काफी टाइम है, काफी फ्री है, तो सर हमारे पास एक आइडिया है। जाने मन आप हमें जाने मन कह रही है नॉटी? सर मैं आपको जाने मन नहीं कह रही हूँ सर, मैं कह रही हूँ कि बाजू में जो जाने मन टाकीज है ना सर,
उसमें नई वाली लगी है फिल्म सर। तो सर मैंने दो टिकट मंगा लिए, आज ही मैं और आप फिल्म देखने चल रहे हैं बस सर फाइनल। कौन सी फिल्म देखनी है आपको? सर फिल्म का नाम है चीखती चुड़ैल की चटकती चूड़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सर भूतों से और हॉरर फिल्मों से डर लगता हो? हमें डर तो जरा भी नहीं लगता। अरे हॉरर फिल्म तो हमारा फेवरेट है, हम बहुत देखते हैं हॉरर फिल्म। इनफैक्ट भूतों के साथ हमारा खास लगाव है ना, हम भूत को बॉटल में बंद करके हमारे घर पे रखते, खेलते हैं उनके साथ रात भर बैठकर। आई लव हॉरर, भूत, ये सब सब कुछ। तो कल चलते ना आपके साथ फिल्म देखने हॉरर? कल नहीं सर, आज की टिकट मंगाई है दो। ओह आज की टिकट है? यस। आज तुम नहीं ना सकते, कमिश्नर साहब के साथ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमारा फोन कहाँ गया? अरे भाई हमारा फोन कहाँ है? कमिश्नर साहब को फोन करो कोई। एक्ट तो कर देते आदमी, खुला छोड़ के आ गए। अरे ठीक है ना, उसमें क्या हो गया? मैडम ये मेरे दोनों दोस्त हैं। नाम? क्या फिल्म थी मैडम, 20 बार देखी है मैंने। और उसका वो जो गाना है ना, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिन। ना चिट्ठी आएगी ना कुरियर जिंदगी भर। तमीज से नाम बोल अपना यहाँ। जी मेरा नाम है बिस्किट, इंजेक्शन लगा के। कौन सा बिस्किट, नमकीन या क्रीम वाला? क्रीम वाला नहीं, ड्रीम वाला। बिस्किट ड्रीम वाला इंजेक्शन लगा के। ये वेल अदर फेलोस, व्हाट इज द योर द नेम इज द? मैं भड़कू हूँ, भड़कू भादुड़ी। चला दूंगा। क्या कर रहे हैं? हटाओ हटाओ। थारे डैडी ने जो है कॉलेज को लैब गिफ्ट करी है, जो तू जला देगा अपनी समझ के। इसको देखो जरा, अधेड़ उम्र के स्टूडेंट को है, इसे पहचानते हो दोनों? हाँ ये हमारा क्लासमेट है परवल पांडे। लैब चला दूंगा। ये मत यार मत। और परवल तू यहाँ क्या कर रहा है यहाँ? और मैडम आपने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया इंजेक्शन लगा के? हाँ जल्दी बताइए, हमारी क्लास मिस हो जाएगी। मैं लैब चला दूंगा। अरे यार क्या है तुम लोगों? देखो यार ये बताओ कि मोंजुलिका कौन है? मैंने पूछा मोंजुलिका कौन है? वेल हु इज द मोंजुलिका इज द? मैडम मुझे लगता है ये दोनों ऐसे नहीं बताएंगे। मैडम इस मौके पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं। इजाजत? अर्ज किया है, गुलगुले संसार में भांति भांति के लोग, गुलगुले जो कि मेरा नाम है, गुलगुले संसार में भांति भांति के लोग, कुछ होते हैं रैप्टाखोर कुछ होते हैं लतखोर। और मैडम मुझे लगता है ये दोनों लतखोर टाइप के हैं, ये लात खाएंगे तभी बताएंगे। बोलो ये कौन है मंजुलिका? है नहीं मैडम, मंजुलिका थी मैडम थी। मैडम हमने सुना है 1975 के मेडिकल के बैच की स्टूडेंट थी वो हमारे कॉलेज में मैडम। और मैडम एक लड़के ने उसे प्यार में ऐसा धोखा दिया कि उसने उसी लैब में जहर यानी एसिड पी के अपनी जान दे दी, जिस लैब में हम लोग आज प्रैक्टिकल करते हैं मैडम इंजेक्शन लगा के। और आज भी मंजुलिका की आत्मा उसी लैब में भटकती है इधर से उधर। लैब चला दूंगा। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज यार। और अगर वो किसी को मिल जाए तो वो उससे तीन तीन सवाल करती है, वो भी मेडिकल के। और अगर कोई उन सवालों का गलत जवाब दे तो वो उसकी जान ले लेती है। लैब चला दूंगा।
और अगर सही जवाब देते हैं तो छोड़ देती है। नहीं नहीं नहीं, तो भी उसे मार देती है वो, इंजेक्शन लगा के। तुम लोगों ने अपनी आंखों से मंजुलिका को देखा है? हम दोनों ने मंजुलिका को देखा है, रात के अंधेरे में चूड़ीदार कुर्ता पहने, आंखों में चश्मा लगाए और हाथ में मोमबत्ती, लालटेन लेके। नहीं नहीं, किताब। लैब चला दूंगा। अरे यार रुको, किताब वाली भूतनी, गुड यार, इंटरेस्टिंग। उसने तुम लोगों से 3 सवाल पूछे? नहीं मैडम, नहीं मैडम, आज तक नहीं किए, इसीलिए तो हम दोनों बचे हुए मैडम, इंजेक्शन लगा के। परवल भाई, मोंजुलिका ने थारे से 3 सवाल पूछे हैं, क्वेश्चंस। हाँ हाँ हाँ, पूछे थे। उसने मुझे पूछा था कि अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा हो तो तुम सर दर्द की कौन सी दवाई लोगे? अगर पैर की हड्डी टूट गई हो तो तुम कौन से हाथ में प्लास्टर चढ़वाओगे? अगर लंच में तुम कैप्सूल की सब्जी खा रहे हो तो उसके साथ तुम रोटी खाना पसंद करोगे या पराठा? मेडिकल के महाभारत में मंजुलिका। तो उसने फिर ताने मारा नहीं? सवाल सुनते ही मैं तो बेहोश हो गया था ना। अच्छा ठीक है, आज रात को जो है सरजी, गोपी और गुलगुले उस लैब में जाएंगे और मंजुलिका को देखेंगे। नहीं 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 मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे भूत से बहुत डर लगता है मैडम। That is good, then you are in luck, क्योंकि वो भूत तो है ही ना, भूत नहीं है। हाँ जी जी मम्मी जी, मुझे कुछ जी बुखार सा लग रहा है जी। हाँ तो वो मेडिकल की स्टूडेंट भी है, वो करेगी थारा इलाज, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगी थारे पे। I am okay. वेरी गुड। और सर जी तो जो है काफी भूत विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा उन्होंने काफी हैंडल करा है भूतों को, तो ही इज प्रीटी मच सेट। तो आज रात रॉन्डेवू विद मंजुलिका। इंजेक्शन लगा के। हमें लगता है चूहा है, चूहा। हाँ, हाँ। नहीं सर, चूहा नहीं है, वो डर के मारे मेरे होंठ सूख रहे थे ना इसलिए। अबे ऐसे सुखाता है, होंठ ढूंढ के ढूंढ। होंठ सुखा रहा था। मैडम तो कह रही थी कि आपको भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो आप रहे हैं सर। अबे हमें पता है हमें भूतों से डर नहीं लगता, मैडम को पता है, तुम सबको पता है हम कितने बहादुर हैं, लेकिन वो भूतनी को थोड़ी ना पता है कि मुझे डरते नहीं है, कभी हम पे अटैक कर दिया उसने तो। लगता है कोई आ रहा है। वही है, सफेद चूड़ीदार कुर्ता, आंखों में चश्मा, हाथों में किताबें, तो वही है, वही है सर, वही है, वही है सर। हमें लगता है कोई स्टूडेंट आया रात को पढ़ाई करने के लिए। हाय बेबी। सर दिस इज मंजुलिका, मंजुलिका, आई एम टेलिंग यू सर। ये सर, चलिए सर निकल लीजिए।
अबे कितना सुखाएगा बे, सुखाना बंद कर, कुछ कर। मांजलिका। क्या? मांजलिका। मांजलिका। हेलो मम्मी, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.